फिरोजाबाद के जसराना थाना क्षेत्र में बीते 14 दिसंबर 2020 को एक चाचा ने अपनी ही 10 साल की भतीजे को अपनी हवस का शिकार बनाया था, जिसमें गुरुवार को जिला न्यायालय ने दोषी चाचा को सजाए मौत की सजा सुनाई है। फिरोजाबाद के जसराना थाना क्षेत्र में 14 दिसंबर 2020 को एक चाचा ने अपनी 10 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। गुरुवार को जिला न्यायालय के पॉस्को कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी चाचा को फांसी की सजा सुनाई। बता दें, महज 3 महीने में आरोपी को दी गई सजा ये मौत के बाद लोगों में कानून पर विश्वास दिखने लगा है। इस फैसले पर महिला संगठनों ने कहा कि ऐसे घिनौने कृत्य करने वालों को फांसी की ही सजा होनी चाहिए। साथ ही जिला न्यायालय ने बहुत सही फैसला लिया है। हमारे यहाँ आदरणीय मुदिल दुबे जी जो उसके जज हैं, उन्होंने आज फांसी की सजा मुकर्रर की है। जसराना थाने का केस था, नीरज नाम से मुलजिम था, उसने 10 साल की बच्ची थी जिसके साथ जो जघन्य कृत्य किया उसे कह भी नहीं सकते हम। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ रिप्रेजेंट करते हम लोग, तो मैं पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा कि फिरोजाबाद जनपद से इसी वर्ष पहले भी एक फांसी हुई थी इसी कोर्ट से अब फांसी हुई है। पूरे प्रोसिक्यूशन बधाई का पात्र है और इससे एक संदेश जाएगा जनता में, कम से कम जो क्राइम करते हैं बच्चियों के साथ ऐसे जघन्य अपराध के लिए, फांसी से अच्छी कोई सजा और भी होती। तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्न हूँ और बधाई के पात्र पूरा प्रोसिक्यूशन पूरे प्रदेश का, और ये विश्वास करूँगा भविष्य में ऐसे कुकृत करने वालों के साथ, ऐसी जघन्य अपराध करने वालों के साथ इतनी ज़बरदस्त सजा दी जाए, इतनी अच्छी सजा दी जाए ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि ऐसे कृत्य करने वाले लोग इसी सजा के मुकर्रर हैं, वो उसमें धरती पर रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फिरोजाबाद से JP सिंह की रिपोर्ट।